राज भरत को दे दूंगा तेरी है मंजूर कहानी। भाई हेरी लेकिन मत बनो बास राम को दिलवा में महारानी, लेकिन मत बनो बास राम को दिलवा में महारानी। मत बनो बास राम को दिलवा में महारानी, लेकिन मत बनो बास राम को दिलवा में महारानी। बहुत अच्छे भाई साहब इंदो राजा दशरथ कहते हैं कि रानी अगर मैं राम को वनवास भेज दूं तो ये अयोध्या की प्रजा है जो अपने बच्चों से भी अपने बेटों से भी ज्यादा इस राम से प्यार करती है, मुझको नाम दी और बेनाम भी देगी, मेरे राम को मुझसे दूर मत कर। किस प्रकार से समझाते हैं आइए सुनते हैं पहली बात। उस दुख ने मैं ही जानू जिसे के कई रोज भरूंगा, उस दुख ने मैं ही जानू जिसे के कई रोज भरूंगा। यो परजा बुरा बतावेगी जब मन में आप डरूंगा, कौशल्या का रुदन देख कहां टक्कर मार मरूंगा, कौशल्या का रुदन देख कहां टक्कर मार मरूंगा। मैं तो तेरे सर पे दोष धरूंगा, लेकिन मत बनो बास राम को दिलवा वे महारानी। होकर के हमारे बहुत ही अच्छे रागनियों के शौकीन रहे सतपाल ठेकेदार जी गांव सराय से 501 रुपए का पुरस्कार देते हैं। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से सम्मान किया जाए, जोरदार तालियों से। दूसरी बात में कहने लगते हैं राजा दशरथ की रानी जैसे एक मछली बिना पानी के एक पल भर भी जिंदा नहीं रह सकती, जैसे कि एक इच्छाधारी सांप अपनी मणि के बिछड़ जाने के बाद इस धरती पर सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग देता है, ऐसा ही मेरा हाल हो जाएगा मेरे राम के बिना। प्रेमी साथियों दूसरी बात में किस प्रकार समझाते हैं राजा दशरथ आइए सुनते हैं। सर नागा मरले जिसकी मणि बिछड़ जा, पटक पटक सर नागा मरले जिसकी मणि बिछड़ जा। देख कद सीता कद लक्ष्मण रोवे
जा। कौन से मुंह से मैं कौन से मुंह से कह दूंगा इस घर से राम लिकड़ जा। कौन से मुंह से कह दूंगा इस घर से राम लिकड़ जा। देख तेरा भी नखरा झड़ जा रही, लेकिन मत बनवास राम को दिलवावे महारानी। दशरथ कहने लगते हैं कि रानी के कई जिस राम को तू कल तक अपने भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी, उसको अपने बेटे से भी ज्यादा उसको लाड़ लड़ाती थी, आज उस राम को तू वनवास भेजना चाहती है। हे रानी के कई, तू किसी के बहकावे में आ गई है मुझे लगता है। किस प्रकार समझाते हैं तीसरी बात में, आइए बताया। आज कहे दिख आज कहे कल रोवेगी चरणों का दास चला जा। आज कहे कल रोवेगी चरणों का दास चला जा। फिर तेरे नाम पर नफरत हो जा पर इतिहास चला जा। जिस घर में हो देख जिस घर में हो तेरे मेरे उस घर का नाश चला जा। जिस घर में हो तेरे मेरे उस घर का नाश चला जा। मेरी सब रंग रास चला जा से बहुत अच्छे लाइन इस कली में लिख दी। अंतिम बात में कहते हैं कि रानी के कई, हमारी अवस्था भजन करने की है, वनों में घूमने की हमारी अवस्था है, तपस्या करने की, और हमारे बदले तू अपने बेटे और बहू को उन बलों में भटकते देखना चाहती है। मैं कहता हूं मेरी बात मान जा, मेरे राम को मुझसे दूर मत कर। किस प्रकार राजा दशरथ अंतिम बात में समझाने लगते हैं, आइए सुनते लगे।
राजमहल का सोवनिया कैसे जंगल में सोवेगा, राजमहल का सोवनिया कैसे जंगल में सोवेगा। अरे तेरा हंसना बुरा लगे जब सब कुणवा रोवेगा, गुरु शरण दास के चरण जय करण मण मण के धोवेगा, शरण दास के चरण जय करण मण मण के धोवेगा। धोवेगा वो तरज सभा में, धोवेगा वो तरज सभा में जो सबको लगे सुहानी, लेकिन मत वनवास राम को दिलवा में महारानी, लेकिन मत वनवास राम को